जय हिंद, जय भारत, गुड इवनिंग गाइस। तो नेशनल इनकम का अपना प्रोसेस शुरू हो चुका है। नेशनल इनकम की क्लासेस में हम ट्रांसफर इनकम, फैक्टर इनकम पहले वीडियो लेक्चर में कर चुके हैं। उम्मीद है आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर नहीं भी देखा तो कोई बात नहीं, आज बिल्कुल भी कनेक्टेड टॉपिक नहीं है। आज से ही शुरुआत करोगे तो चल जाएगा, बाद में उसको ट्रांसफर इनकम और फैक्टर इनकम के डिफरेंस को बाद में देख लेना, ठीक है। जल्दी से हाजिरी लगा दो अपनी, प्रेजेंट सर करके जल्दी से जुड़ जाओ, अपने फ्रेंड्स वगैरह को शेयर कर दो दोस्तों, क्योंकि आज देखो आपके सामने सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम हम करने वाले हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, जो चीज हम करने वाले हैं उसका आपके सामने प्रेजेंट है। जुड़ जाओ, जल्दी जल्दी जुड़ जाओ दोस्तों, आ गए हैं एक मिनट के अंदर, पूरी 60 सेकंड के अंदर क्लास को शुरू कर रहे हैं। पियानिस्ट हाय, हेलो एवरीवन, आनंद, दिलीप वर्मा, शालू, भवर सिंह, ज्योति, गुड इवनिंग एवरीवन। बिल्कुल शुरू कर रहे हैं और क्लास के एंड में वी आर इंडियन, हम बिल्कुल अपने डाउट्स वगैरह डिस्कस करेंगे, एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर करूंगा। मैंने पहले बता रखा है, पहले बात करेंगे अपनी पढ़ाई की, उसके बाद अपनी सोशल बातें भी हो जाएगी थोड़ी सी, और तुम्हारे डाउट्स जो पिछली वीडियो से रिलेटेड थे या इससे रिलेटेड थे या कोई भी रिलेटेड थे। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट बताता हूं, आज एक वीडियो पोस्ट की है अपने पढ़ले कॉमर्स के चैनल पे, जिसमें अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स के डिलेटेड टॉपिक्स बताए हुए हैं, और जो सीबीएसई ने नया नया सिलेबस लॉन्च किया है उस सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया है। ये तो क्रिस्टल क्लियर कंफर्म है कि इस बार एनुअल सिस्टम के थ्रू पेपर होंगे, यानी टर्म वन टर्म टू वाला सिस्टम खत्म कर दिया सीबीएसई ने, बोला पूरे साल में एक ही बार बोर्ड का पेपर होगा, उससे रिलेटेड सारा कॉन्टेंट कोर्स सबको बता दिया है। और हम मनी एंड बैंकिंग का चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, गवर्नमेंट बजट का चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं विद क्वेश्चन एंड आंसर, नोट्स आपको स्लाइड्स की फॉर्म में वहां पर प्रोवाइडेड हो गए हैं, ठीक है। आज करेंगे हम सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, ये होता क्या है ये सब बताऊंगा। कोई पुरानी वीडियो नहीं देखी तो कोई बात नहीं, इस वीडियो से काम चल जाएगा, यहां से काम चला लो। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो अभी तक ले लो, आपका काम यहां से चलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बताऊंगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में पूरे देश को चार पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पूरे देश में क्या क्या है, एक बोलते हैं जनता है, जनता को यहां पर बोला है हाउस होल्ड सेक्टर, जनता यानी हम, आप, पब्लिक, और प्यार से मैक्रो इकोनॉमिक्स में इसको फैमिलीज करके बोला हुआ है, फैमिली है ये, ठीक है। फिर हमारे आसपास कंपनी होती है, दुकान होती है, शॉप्स होती है, ठीक है, उनको बोला गया है फर्म सेक्टर। तो दूसरी चीज ये है। थर्ड, हमारे देश के अंदर सरकार भी है, तो सरकार के जो डिपार्टमेंट्स है, चाहे नॉन डिपार्टमेंटल है, वो सरकार जो है उसको गवर्नमेंट सेक्टर बोला गया है। तो मैं यहां गवर्नमेंट शॉर्ट में लिख देता हूं, आप कंप्लीट ही लिखना, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, और हमारे देश से लेना देना फॉरनर्स का भी है, हमारी कंट्री में फॉरनर्स भी होते हैं और उनसे हमारा कनेक्शन भी है। तो अगर हमारी इकोनॉमी की बात की जाए, अर्थव्यवस्था में, ये तीनों के साथ साथ हम फॉरनर्स को भी कंसीडर करते हैं, तो उन सबको यहां पर प्यार से बोला गया है फॉरेन सेक्टर। जो आज बात कर रहा हूं, एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांस है पूरे पूरे। तो दोस्तों चार सेक्टर है, जब हम दो सेक्टर की पढ़ाई करते हैं, शुरू के दो सेक्टर की, देखो शुरू के दो सेक्टर की पढ़ाई करते हैं तो उसको बोलते हैं टू सेक्टर इकोनॉमी। इकोनॉमी को शॉर्ट में मैं ऐसे लिखूंगा, आप पूरा समझना, ठीक है। और जब तीन सेक्टर की पढ़ाई करते हैं, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इसमें हाउस होल्ड सेक्टर भी है, फर्म सेक्टर भी है, गवर्नमेंट सेक्टर भी है, उसको बोलते हैं थ्री सेक्टर इकोनॉमी। और जब पढ़ाई करेंगे इन चारों सेक्टर की एक साथ, उसको बोलेंगे फोर सेक्टर इकोनॉमी, फोर सेक्टर इकोनॉमी बोलेंगे। जो ये दो सेक्टर और तीन सेक्टर वाली इकोनॉमी है, इसके अंदर बाहर की दुनिया यानी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए इन दोनों को, टू सेक्टर इकोनॉमी और थ्री सेक्टर इकोनॉमी को, हम डोमेस्टिक इकोनॉमी बोल देते हैं। डोमेस्टिक का मतलब घरेलू, यानी अपने इंडिया, इंडिया के अंदर की बात हो रही है। और तो ये फोर सेक्टर इकोनॉमी है, यहां पर चारों सेक्टर है, फॉरनर्स भी आ गए हैं, तो इसको हम ओपन इकोनॉमी बोलते हैं, ठीक है। जो 12वीं के बाद सीयूईटी का एग्जाम होने वाला है आपका, आपको आपका मनपसंद कॉलेज मिलेगा, मनपसंद कोर्स मिलेगा, उसके अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, भाई डोमेस्टिक इकोनॉमी में कौन कौन से सेक्टर्स आते हैं या ओपन इकोनॉमी में कौन कौन से सेक्टर्स आते हैं। आज की वीडियो का पर्पज क्या है, आज की वीडियो में हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म सेक्टर, इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है, मैं आपको ये रिश्ता समझाऊंगा, उस रिश्ते को ही बोलेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम अंडर टू सेक्टर मॉडल। जी हां, टू सेक्टर मॉडल, अगर मैं इन चारों के बीच में रिश्ता समझाऊंगा तो उसको बोलेंगे सर्कुलर फ्लो अंडर फोर सेक्टर मॉडल।
फोर सेक्टर मॉडल अपने कोर्स में नहीं होता, थ्री सेक्टर मॉडल भी अपने कोर्स में नहीं होता, ओनली टू सेक्टर मॉडल अपने कोर्स में होता है। ठीक है, कोई भी डाउट है आपका, अब ये टॉपिक कंप्लीट कराते ही आपका डाउट भी सॉल्व किया जाएगा। ठीक है जी, तो शुरुआत करेंगे अपना हाउसहोल्ड और फर्म सेक्टर के बीच में क्या रिश्ता है उससे रिलेटेड। ठीक है जी, तो इससे लिए मैं यहां पर क्या लिखना चाहूंगा, सबसे पहले यहां पर लिखूंगा हाउसहोल्ड सेक्टर, क्योंकि इसका रिश्ता दिखा रहा हूं। ठीक है, इसको बॉक्स में क्लोज कर दिया। इधर लिखा है अपन फर्म सेक्टर, फर्म का मतलब आप मान लो कंपनी है कोई, ये है जी। ठीक है, तो हाउसहोल्ड और फर्म सेक्टर में रिश्ता क्या है? सबसे पहले हम लोग जनता यानी फैमिलीज, हम लोग बोलते हैं जितनी भी कंपनी है, चाहे रिलायंस है, टाटा है, बाटा है, अंबानी है, अडानी है, किसी की कोई भी कंपनी हो, उस कंपनी के अंदर चार चीजें पहले से इस्तेमाल हो रही हैं। जमीन उस कंपनी के पास है, लैंड जिसको बोलते हैं, लोग काम कर रहे हैं, लेबर है, पैसा लगा हुआ कंपनी के अंदर, वो कैपिटल है, और कंपनी का जो स्ट्रक्चर है वो एंटरप्रेन्योरशिप है। ये चारों चीजें किसने दी? हाउसहोल्ड क्या क्लेम करता है? ये रिश्ता देखो ऐसे शुरू हो रहा है जैसे मैं बताऊंगा। हाउसहोल्ड आम जनता फैमिली क्लेम करती है, ओ फर्म तेरे पास जो, देखो ऐसे करके क्लेम करती है, ये एरो गया, ये एरो गया, मतलब हाउसहोल्ड बोल रहा है मैंने तुझे क्या क्या दिया है, ये दिखा रहा है। हाउसहोल्ड बोलता है जो तेरे पास लैंड है वो मेरी है, जो तेरे पास लोग काम कर रहे हैं लेबर वो हम काम कर रहे हैं, आखिर हमारी किसी की जमीन पर यार वो कंपनी खुली है, हम में से कोई काम कर रहा है, यानी हाउसहोल्ड की इन्वॉल्वमेंट है कंपनी के अंदर। ठीक है, कंपनी के अंदर जो पैसा लगा हुआ है वो हाउसहोल्ड का लगा हुआ है, कंपनी जो एंटरप्रेन्योरशिप स्ट्रक्चर है ठीक है वो हाउसहोल्ड की देन है। तो सब बोल दिया, और आपको पता है लास्ट क्लास में बताया था ये चारों चीजों को बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो कुल मिला के हाउसहोल्ड ये कहना चाहता है कंपनी फर्म जो भी तेरे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगे हुए हैं वो सब हमारे हैं। तो यहां पर लिख देंगे इसको फैक्टर इनपुट्स लिख दो या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लिख दो, प्रोडक्शन को मैं शॉर्ट में ऐसे लिख देता हूं, आप कंप्लीट लिख लेना। ठीक है जी, तो फर्म कहती है अच्छा तूने अपना एहसान जताना शुरू किया मेरे ऊपर, तो देख हर एक चीज का बदला चुकाया गया है। तो फर्म कहती है तूने इतना बड़ा कोई एहसान नहीं किया, इसके बदले में मैंने तुझे पता है क्या क्या दिया है? हाउसहोल्ड कहता है बता तूने क्या क्या दिया है? फर्म कहती है अगर तूने मेरे को लैंड दी है तो मैं बदले में तेरे को रेंट पे करती हूं। अच्छा जी, अगर तू लेबर की तरह मेरे पास काम कर रहा है तो मैं तेरे को बदले में वेजेस और सैलरी पे कर रही हूं। फर्म से कंपनी से सैलरी मिलती है भाई, सही बोल रही है फर्म भी। ठीक है, फिर अगर तूने मेरे पास कैपिटल पैसा इन्वेस्ट किया है तो उसके बदले में इंटरेस्ट भी तो ले रहा है भाई। ठीक है, अगर मैं तेरी एंटरप्रेन्योरशिप हूं तो उसके बदले का प्रॉफिट भी तो हाउसहोल्ड के पास गया। ये जो अंबानी अडानी कौन है, ये अपनी कंपनी का प्रॉफिट भी तो लेते हैं। तो ऐसे ऐसे सीधा डायरेक्ट फर्म ने बदला चुका दिया। ठीक है, तो फर्म कहती है कि मैंने तेरे को ये पेमेंट करी है, इन सभी पेमेंट को याद करो, लास्ट वाली क्लास में बताया था ये मेहनत की इनकम है जो हाउसहोल्ड ने कुछ देकर कमाई है, ये सब इनकम्स को फैक्टर इनकम बोलते हैं। हाउसहोल्ड के पास पैसे गए फैक्टर इनकम, लेकिन जिसने पे किए हैं उसके लिए फैक्टर पेमेंट। तो ये जो लाइन लिखी है इसको सपोर्ट करने के लिए आप यहां पर फैक्टर पेमेंट लिख देना, अगर फैक्टर इनकम आपने लिख दिया तो भी काम चल जाएगा। जब इनकम लिखोगे तो सोचेंगे इसको मिली है, पेमेंट लिखोगे तो सोचेंगे इसने दी है, बात एक ही है। ठीक है, तो दोस्तों देख रहे हो ये सर्कल की तरह फ्लो बन गया, यही सर्कुलर फ्लो है, इनके बीच का रिश्ता यही सर्कुलर फ्लो है। अब बारी आई, फर्म ने बोला तूने मुझे एहसान दिखाया तो मैंने तेरे एहसान का एक एक बदला चुकाया। फिर फर्म बोलती है अब याद कर कि मैंने तेरे ऊपर क्या एहसान किया है। तो फर्म ने कहना शुरू किया हाउसहोल्ड को कि देख ये गई एरो और मैंने तुझे बनाकर दिए गुड्स एंड सर्विसेज, जो हमारे घर के अंदर सामान इस्तेमाल होता है, टूथपेस्ट, चीनी, चावल, बिस्किट, मैगी जो खाते हैं, ये गुड्स एंड सर्विसेज फैक्ट्री से तो बनकर आई है, फर्म से बनकर आई है। तो फर्म ने इतनी सब कुछ चीजें प्रोवाइड कर दी हाउसहोल्ड को। हाउसहोल्ड कहता है तूने भी कोई एहसान ना करा भाई मारे ऊपर, जो जो चीजें तूने प्रोवाइड करी है देख मैंने उसके बदले की एक एक पेमेंट कर दी है। तो यहां फर्म कहती है लिखो हाउसहोल्ड ने क्या दिया, पेमेंट्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, एक एक चीज का बदला चुका दिया हाउसहोल्ड ने। अगर तुम्हें इतनी बड़ी लाइन पसंद ना हो, इतनी बड़ी लाइन पसंद ना हो तो इसकी जगह चुपचाप से लिख देना हाउसहोल्ड स्पेंडिंग, स्पेंडिंग का मतलब खर्चा होता है, तो हाउसहोल्ड ने खर्चा ही करा है गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करके, बुक्स वगैरह में वैसे ये लिखा होता ज्यादातर, लेकिन आप इसको फॉलो कर दोगे तो चल जाएगा। तो दोस्तों दिख रहे हैं हाउसहोल्ड और फर्म के बीच का रिश्ता इन चार ट्रांजेक्शन में सिमट गया, बस ये एक अकेला डायग्राम
सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहलाता है। इसको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोलो या सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं स्क्रीन के सामने से हटूंगा ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। भंवर सिंह, पृथ्वी को, प्रेम पटेल, अनन्या सिंह, सबको देख रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। यही है सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। एक एक ट्रांजेक्शन क्रिस्टल क्लियर लिखा हुआ है। अब इसके अंदर आपके छोटे मोटे डाउट्स आएंगे, वो डाउट क्लियर कर रहा हूं। इधर देखो, कुछ स्टूडेंट्स का कहना यहां पर ये हो सकता है कि बोलेंगे सर इस डायग्राम में अगर हम हाउसहोल्ड सेक्टर को सिर्फ एच लिखे तो काम चल जाएगा। जी हां, एच लिखोगे काम चल जाएगा, पूरा कंप्लीट लिखने की जरूरत नहीं है, वो एक्सप्लेनेशन में बता देना। फिर फर्म सेक्टर को एफ लिखोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। और अगर तुम्हें ऐसे सर्कल वाले एरो ना बनाने हो, ऐसे वाले एरो बनाना चाहते हो, इसने इसको ये दिया, उसने बदले में ये कर दिया, फिर फर्म ने बदले में ये दिया, फिर हाउसहोल्ड ने बदले में ऐसे कर दिया, तो डायग्राम बिल्कुल ऐसे भी बन सकता है। मतलब ऐसे गोल गोल घुमाने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी काम चल जाएगा, चल जाएगा काम चल जाएगा, ठीक है। इस क्लास को बहुत सीरियस लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में आने के पूरे पूरे चांस हैं। और ऊपर से एक बात देखो, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर तुम डाउट नहीं पूछ रहे तो मैं ही डाउट बता देता हूं, क्या तुम्हारे डाउट है कि सर ऐसे लिखना जरूरी है कि पहले हाउस होल्ड ने इसको कुछ दिया तो बदले में यहीं से एरो जाएगी? ऊपर नीचे नहीं हो सकते ये एरो? भाई ये एरो बिल्कुल ऊपर नीचे हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिसको जहां शिफ्ट करना है उन एरोस को वहां शिफ्ट कर लो, ठीक है। बिल्कुल सेम डिट्टो रट्टा मारना जरूरी नहीं है, ठीक है जी। तो ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है बिटवीन हाउस होल्ड एंड फर्म सेक्टर। इसकी थ्योरी कैसे लिखनी है ये सब बता रहा हूं एक एक चीज करके। एक बार और इस डायग्राम को क्रैक करेंगे, दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे और फिर देखते हैं कि इंपॉर्टेंट सी चीज जो यहां से निकल के आती है आपके सामने। देखो जी, यहां पर क्या निकल के सामने आ रहा है, ये रहा हाउस होल्ड सेक्टर, ये रहा फर्म सेक्टर। दोबारा लिखता हूं, ये रहा हाउस होल्ड सेक्टर, ये रहा फर्म सेक्टर। अब इनके बीच में चार ट्रांजेक्शन हुए थे, इन चारों के टुकड़े करूंगा, एक बार दोबारा डायग्राम बनाऊंगा, एक डायग्राम में लिखूंगा वो वाले ट्रांजेक्शन जिसमें पैसा इन्वॉल्व था, मनी इन्वॉल्व थी, और दूसरी साइड वो ट्रांजेक्शन लिखूंगा जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं था। तो जहां पर पैसों की बात नहीं हो रही थी उसको अलग कर देंगे। तो देखो, सबसे पहले हाउस होल्ड ने फर्म को कहा था कि मैंने तुझे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिए हैं, तो मैंने यहां लिख दिया एफओपी। आप इसको कंप्लीट लिखना, फैक्टर इनपुट। फिर फर्म ने कहा कोई एहसान नहीं करा, मैंने हर एक चीज का बदला चुकाया है, तो बदला चुका के फर्म ने बोला मैंने तेरे को फैक्टर पेमेंट करी है। अब फैक्टर पेमेंट है पैसे, तो पैसे वाले ट्रांजेक्शन इधर आ गए। मतलब मैं डायग्राम को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूं, तो फर्म ने हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट दी है, समझ लो। तो दो ट्रांजेक्शन हो गए, कोई भी ऊपर नीचे बना लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर अब फर्म बोलती है मैंने तेरे को गुड्स एंड सर्विस बना के दी, तो एक और ट्रांजेक्शन रिपीट कर दो, यहां पर लिख दिया गुड्स एंड सर्विसेज फर्म ने बनाकर दी। हाउस होल्ड कहता है कोई एहसान नहीं करा, इसके बदले की पेमेंट भी तो करी है मैंने, तो यार यहां दिखा देना ताकि कंप्लीट सा लगे। तो यहां पर हाउस होल्ड स्पेंडिंग लिख दो, एच एच में लिखा मैंने हाउस होल्ड और स्पेंडिंग, या फिर पेमेंट्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज लिख दो, कैसे भी लिख दो चल जाएगा। ये वाला ट्रांजेक्शन है ये वाला, ठीक है जी। तो ये डायग्राम के दो टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा वो है जिसके अंदर मोनेटरी ट्रांजेक्शन नहीं आ रहे, यानी मनी के ट्रांजेक्शन नहीं है, और एक टुकड़ा वो है जिसके अंदर मोनेटरी ट्रांजेक्शन आ रहे हैं। तो इनका नाम अलग रख दिया, क्या बोलते हैं जिसके अंदर मनी के ट्रांजेक्शन नहीं आ रहे, इसको बोलते हैं दोस्तों रियल फ्लो, ठीक है। और जिसके अंदर मोनेटरी ट्रांजेक्शन आ रहे हैं इसको बोलते हैं मनी फ्लो। तो मनी फ्लो का दूसरा नाम भी है, इसको नॉमिनल फ्लो भी बोला जाता है, और रियल फ्लो का दूसरा नाम भी है, इसको फिजिकल फ्लो भी बोला जाता है। अभी तो समझा रहा हूं, प्रॉपर लिखित में नोट्स भी दूंगा, अभी देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इस चीज का, आपके काम की चीज है। अब यहां पर ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया, रियल फ्लो और मनी फ्लो, ठीक है। तो ओवरऑल आपको यह बताना चाहता हूं, जो सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम अंडर टू सेक्टर इकोनॉमी है, इसको ऐसे लिख देता हूं सर्कुलर फ्लो, इसके दो टुकड़े कर दिए हैं, एक को बोलते हैं रियल फ्लो या फिजिकल फ्लो, यानी दो पार्ट हो गए या टाइप मान लो, और एक को बोलते हैं नॉमिनल फ्लो या फिर मनी फ्लो। मनी फ्लो ज्यादा पॉपुलर नाम है तो मनी फ्लो लिखेंगे यहां पर। अब इनकी डेफिनेशन सुन लो, पहले तो डेफिनेशन अपनी भाषा में कर लेते हैं, फिर लिखित में पेपर में कैसे लिखनी है वो बता दूंगा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, पहले आ जाएंगे रियल फ्लो क्या होता है। तो हाउस होल्ड और फर्म के बीच में नॉन मोनेटरी ट्रांजेक्शन का मूवमेंट रियल फ्लो होता है। ट्रांजेक्शन का मतलब लेन देन ना, उसका मूवमेंट हो रहा है दोनों के बीच में।
तो हाउसहोल्ड और फर्म के बीच में मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस का मूवमेंट मनी फ्लो है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस का मूवमेंट, ठीक है। और यहां पर बात आएगी अगर सर्कुलर फ्लो क्या होता है, तो हाउसहोल्ड और फर्म के बीच में मनी एंड गुड्स एंड सर्विसेज का जो सर्कुलर मूवमेंट है ट्रांजेक्शन का, वो सर्कुलर फ्लो होता है। अभी सर्कुलर फ्लो के अंदर दोस्तों तीन इंपॉर्टेंट बातें देखने को मिलेंगी, इसको ही अभी आगे बढ़ाए मैं पहले लिख देता हूं, एक दो और तीन, ये तीन इंपॉर्टेंट बातें यहां पर देखने को मिलेंगी। और कौन कौन सी तीनों इंपॉर्टेंट बातें, देखो यहां पर पहली बात तो ये देख रहे हो तुम, कोई ना कोई बंदा खर्चा कर रहा है, दूसरी बात ये कोई ना कोई पैसों की कमाई कर रहा है, तीसरी बात ये कोई ना कोई प्रोडक्शन कर रहा है, तीनों एक्टिविटीज यहां पर हो रही है, तो तीनों को पहचानना है। देखो पहचानते कैसे हैं, चलो इस वाले ट्रांजेक्शन पे आ जाओ, ये वाला जो है पेन का कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं, ये वाला, चलो ये ट्रांजेक्शन बोल रहा है कि पेमेंट कर रहा है हाउस होल्ड, हाउस होल्ड ने अगर पेमेंट की तो हाउस होल्ड खर्चा कर रहा है, खर्चे वाली बात आ गई। और इसी ट्रांजेक्शन ने यह बताया कि यह खर्चा फर्म की इनकम भी है, तो फर्म की इनकम भी हो गई, तो एक ट्रांजेक्शन दोनों बातें बता रहा है, खर्चा भी हो रहा है इनकम भी हो रहा है, ठीक है। चलो आ जाओ इस वाले ट्रांजेक्शन पे, ये बोल रहा है फर्म ने पेमेंट करी है रेंट इंटरेस्ट वेज की, तो ये फर्म का खर्चा है, हाउसहोल्ड की इनकम है, तो ये ट्रांजेक्शन इनकम को भी दिखा रहा है किसी और की, और किसी और के खर्चे को भी दिखा रहा है, ठीक है। अब आ जाओ इस वाले ट्रांजेक्शन पे, गुड्स एंड सर्विसेज पे, तो ये दिखा रहा है कि फर्म ने फैक्ट्री के अंदर गुड्स और सर्विसेज बनाई है जो हाउसहोल्ड को मिली है, तो इस ट्रांजेक्शन ने प्रोडक्शन दिखाया है, और ऐसे ही हाउसहोल्ड ने जो लैंड लेबर कैपिटल प्रोड्यूस करके दिए फर्म को, यह भी प्रोडक्शन दिखाता है। तो पूरे सर्कुलर फ्लो में तीन तरीके के आइटम दिखते हैं, खर्चे के, कमाई के और प्रोडक्शन के। तो इसलिए बोलते हैं सर्कुलर फ्लो के तीन फेजेस होते हैं। फेजेस कौन कौन से होते हैं दोस्तों, पहला फेज है इनकम फेज, यानी किसी ना किसी की इनकम हो रही है तो इनकम फेज लिख दिया। दूसरा फेज है एक्सपेंडिचर फेज, एक्सपेंडिचर को शॉर्ट में मैं ऐसे लिखता हूं। तीसरा फेज है प्रोडक्शन फेज, प्रोडक्शन को मैं शॉर्ट में ऐसे लिखता हूं। तो ये तीन फेजेस दिखाई देते हैं सर्कुलर फ्लो में, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको बताऊं, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना सीखेंगे न्यूमेरिकल पोर्शन के अंदर, तो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के यही तीन मेथड होते हैं, ठीक है। सीबीएसई में एक बार एक क्वेश्चन आया था, सर्कुलर फ्लो के अंदर जितने पैसे की पेमेंट होती है उतने ही पैसे की इनकम होती है। जी हाँ, ऐसा ही होता है, ये ऐसे ही एक्सियम पे काम करता है कि जितने पैसे दिए जाते हैं उतने ही मिलेंगे। देख लो, अब जितनी फैक्टर पेमेंट करेगी फर्म, हाउस होल्ड को भी तो उतने पैसे मिलेंगे। बहुत सिंपल सी बात कही जा रही है, सीधी स्ट्रेट दिमाग के अंदर बैठनी चाहिए, टच करनी चाहिए, ठीक है ना। तो देखो अब आएंगे इसके नोट्स पे, भाई नोट्स भी देने हैं ना, ये प्रॉपर नोट्स हैं। क्वेश्चन कैसा आएगा अभी नोट्स पढ़ के बताऊंगा, और क्वेश्चन देख लो कैसा आएगा। क्वेश्चन यहां पर आएगा 6 नंबर का, और क्वेश्चन ये है, एक्सप्लेन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम या ऑफ नेशनल इनकम अंडर टू सेक्टर इकोनॉमी, ऐसे लिखा होगा, अंडर टू लिखा हो या ना लिखा हो, टू सेक्टर का ही तुम्हारे कोर्स में है। अब इससे आगे क्या लिखा हो सकता है, इससे आगे लिखा हो सकता है यूज डायग्राम। अब डायग्राम यूज करने के लिए बोल रहा है तो भी डायग्राम बनाना है, नहीं बोल रहा तो भी डायग्राम बनाना है, बिना डायग्राम के इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का और 6 नंबर का आ सकता है, 4 नंबर का भी आएगा तो भी इतना लिखना है, 6 नंबर का आएगा तो भी इतना लिखना है। लिखते कैसे आंसर देखो, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आएगी, सर्कुलर फ्लो होता क्या है। तो द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रेफर्स टू द कॉन्टिन्यूअल सर्कुलर मूवमेंट, लगातार सर्कुलर मूवमेंट हो रहा है, ऑफ मनी एंड गुड्स इन एन इकोनॉमी, इकोनॉमी के अंदर मनी और गुड्स का जो लेन देन हो रहा है। आप यहां पर ये वर्ड इकोनॉमी हटाकर, तो इन एन इकोनॉमी हटाकर ये भी लिख सकते थे, बिटवीन हाउसहोल्ड एंड फर्म, क्योंकि दो सेक्टर की बात कर रहे हैं ना, ये लिखो या ये लिखो, बात एक ही है, ठीक है। सर्कुलर फ्लो की डेफिनेशन है, इस सर्कुलर फ्लो के तीन फेजेस हैं, इनकम फेज, एक्सपेंडिचर फेज, प्रोडक्शन फेज। प्रोडक्शन फेज को आउटपुट फेज भी बोल सकते हो, ठीक है। ये अभी तीनों फेजेस बताए हैं, ये लिखने के बाद बनेगा डायग्राम, डायग्राम इसके बाद बनेगा, आपने इसके बाद एक लाइन लिखनी है, मतलब दिस सर्कुलर फ्लो कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डायग्राम। तो डायग्राम बन जाएगा, यहां पर डायग्राम लिख देंगे, ठीक है, डायग्राम आ जाएगा। डायग्राम को फिर एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है, ये चीज जो लिखी है ये डायग्राम की एक्सप्लेनेशन के बारे में है। अब एक्सप्लेनेशन पढ़वाने से पहले ये बता देता हूं एक्सप्लेनेशन लिखनी कैसे है। वापस चलते हैं अपने सर्कुलर फ्लो के डायग्राम पे, ये राजी जो दिखाई दे रहा है डायग्राम में वही एक्सप्लेन करना है, एक एक चीज। शुरुआत से शुरू कर देते हैं, एक्सप्लेनेशन में 4 पॉइंट भी बना सकते हो आप और 2 पॉइंट भी बना सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। 2 ही पॉइंट बनाएंगे, 2 पॉइंट कैसे बनाएंगे, एक सर्कल एक बार में एक्सप्लेन कर देंगे, दूसरा सर्कल दूसरी बार में एक्सप्लेन कर देंगे। अगर 4 पॉइंट बनाओगे तो 4 ट्रांजेक्शन एक्सप्लेन करने पड़ेंगे एक एक पॉइंट करके। क्या कह रहा हूं मैं, बोल के बताता हूं।
देखो एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे कि शुरू शुरू में हाउसहोल्ड ने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड किया फर्म को, बदले में फर्म ने फैक्टर पेमेंट कर दी, तो पहला पॉइंट ऑफ एक्सप्लेनेशन हो गया। अब दूसरा पॉइंट ऑफ एक्सप्लेनेशन बोलेगा कि फर्म सेक्टर ने हाउसहोल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड की और हाउसहोल्ड सेक्टर ने उसके बदले में पेमेंट कर दी, तो दो पॉइंट के अंदर एक्सप्लेनेशन हो गई। और यही लिखा है बिल्कुल नोट्स के अंदर, ये नोट्स हैं, स्क्रीनशॉट लेने का मौका दूंगा बिल्कुल। ये क्या लिखा है नोट्स में, इनिशियली, इनिशियली का मतलब होता है शुरू शुरू में, स्टार्टिंग या बिगिनिंग, कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो। हाँ जी, द हाउसहोल्ड सेक्टर प्रोवाइड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन टू द फर्म सेक्टर, जैसा बोला वैसे ही लिखा है कि हाउसहोल्ड सेक्टर ने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिए फर्म सेक्टर को, ये लिखा है, एंड इन रिटर्न फर्म सेक्टर गिव्स फैक्टर पेमेंट टू द हाउसहोल्ड सेक्टर, बदले के अंदर फर्म ने फैक्टर पेमेंट दे दी है, कहानी खत्म, पहला ट्रांजेक्शन यही कंप्लीट कर दिया। चलो जी, सेकंड पॉइंट में लिखा है, ये फर्स्ट था, ये सेकंड आ गया, फर्दर, फर्दर या मोर ओवर कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो, इसका मतलब और आगे, मतलब अपनी लैंग्वेज बनाने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, चाहे तो मत यूज करो कोई दिक्कत नहीं है। लिखा है द फर्म सेक्टर गिव्स गुड्स एंड सर्विसेज टू द हाउसहोल्ड सेक्टर, बिल्कुल सही है, एंड इन रिटर्न बदले में हाउसहोल्ड सेक्टर गिव्स पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टू द फर्म सेक्टर, तो ये हाउसहोल्ड सेक्टर ने भी दे दिया, मतलब बदले में एक्सचेंज में जो भी हो वो सब कुछ एक्सप्लेनेशन में। यानी यहां ध्यान रखना, ये जो डायग्राम की जगह छोड़ी है, यहां पर हाउसहोल्ड और फर्म का डायग्राम बनाना है, एक इनने दिया, फिर इनने दिया, फिर इनने दिया, फिर इसने बदले में दे दिया, ये चार ट्रांजेक्शन, 1, 2, 3, 4, कैसे भी ऊपर नीचे कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। ये सर्कुलर फ्लो होता है, स्क्रीनशॉट ले लो पूरे प्रॉपर नोट्स के साथ, ठीक है, आपके पास हर एक चीज होनी चाहिए, ये पूरे प्रॉपर नोट्स के साथ, ठीक है जी। अब मैं यहां पर एक टॉपिक और कवर अप करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि सर्कुलर फ्लो का टॉपिक कंप्लीटली खत्म हो चुका है, ठीक है, यहां पर हम एक टॉपिक और कवर करेंगे दोस्तों, जिसको बोला जाता है रियल फ्लो और मनी फ्लो, ठीक है ना। इसकी मतलब डायग्राम तो मैंने आपको बता दी है, डेफिनेशन देख लो, रियल फ्लो और फिजिकल फ्लो की इजी डेफिनेशन है, इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन इन एन इकोनॉमी, मतलब जिसमें मनी नहीं है, और इन एन इकोनॉमी की जगह आप लिख सकते हो यहां पर बिटवीन हाउसहोल्ड एंड फर्म सेक्टर, ऐसा लिख सकते हो तुम्हारा मन करे तो, ये वही है, इधर हाउसहोल्ड इधर फर्म, तो यहां हाउसहोल्ड ने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिए हैं और फर्म ने गुड्स एंड सर्विसेज, पैसा बीच में नहीं आया, देखो यहां बताया था, इस वाले की बात हो रही है, ठीक है जी। और ये वो है जिसके अंदर पैसा बीच में आया था, तो आसान भाषा, इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन इन एन इकोनॉमी, या फिर इसकी जगह लिख सकते हो ये लाइन, ठीक है जी, सामने से हट जाता हूं दोस्तों, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना आपके लिए जरूरी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेते रहो। अब आते हैं जो मैं बोल रहा हूं कि एक कॉन्सेप्ट और कराऊंगा, कॉन्सेप्ट का नाम है स्टॉक वेरिएबल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, और फ्लो वेरिएबल्स, नेशनल इनकम में घुसकर आए हैं टॉपिक, स्टॉक वेरिएबल्स और फ्लो वेरिएबल्स, ये होते क्या है, ठीक है, जितनी भी चीजें तुम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, आधी चीजें स्टॉक वेरिएबल्स होती हैं और आधी चीजें फ्लो वेरिएबल्स होती है। ये होती क्या, देखो देखो अभी तो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, वैसे तुम पूरी दुनिया में किसी भी चीज की बात कर लो, अगर हमें किसी चीज की क्वांटिटी को कैलकुलेट करना होगा या मेजर करना होगा तो हम एक पॉइंट ऑफ टाइम पर, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पर कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिस चीज की क्वांटिटी को एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पर कैलकुलेट नहीं कर सकते। लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, पहले लैंग्वेज बताता हूं, जब मैं बोलूंगा अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, या फिर स्पेसिफिक की जगह वर्ड यूज कर सकते हैं पर्टिकुलर, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम या अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, यानी किसी एक समय की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब होता है मैं टाइम डिफाइन कर रहा हूं, या तो बोल रहा हूं 4 बजे की बात कर रहा हूं 4 o'clock, या कोई डेट दे देता हूं, मान लो 31 मार्च 2023 लिख दिया, या मैं कोई डे बता रहा हूं आपको संडे, यानी मैं यहां पर टाइम डिफाइन कर रहा हूं, तो उसका मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम होता है, ठीक है। लेकिन जब मैं बात करूंगा आपसे वर्ड लिखकर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर या फिर लिख दूंगा ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, तो इसका मतलब होता है, लैंग्वेज का मतलब, कि मैं बात कर रहा हूं विद इन अ वीक की, या विद इन अ मंथ की, या विद इन अ डे, विद इन अ ईयर, ऐसे बात कर रहा हूं, मतलब यहां पर टाइम डिफाइन नहीं है। तो कुछ चीजों को इकोनॉमिक्स में एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर कैलकुलेट कर लिया जाता है, और कुछ चीजों को इकोनॉमिक्स के अंदर ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम कैलकुलेट किया जाता है,
दोबारा सुनो, रियल लाइफ में क्या होता है, आप अपने फोन से फोटो खींच लो, फोटो वन शॉट में क्लिक हो गई एक क्लिक के अंदर, तो फोटो को आपने एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर कैलकुलेट किया, यानी क्लिक किया। अगर आप अपने फोन से वीडियो बना रहे हो तो वो किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पर नहीं बन रही है, वो टाइम ले रही है, ड्यूरेशन है उसकी, लंबा चल रही है ना मतलब। तो एक वीडियो की बात करें तो वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बनाई जा रही है, ठीक है। एक टंकी में रुका हुआ पानी है, मतलब बह नहीं रहा वो, तो उसको कैलकुलेट कर सकते हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम पर, यानी किसी दिन भी, किसी डेट को भी, किसी टाइम पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर उस टंकी में से पानी बह रहा है तो वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर कैलकुलेट नहीं हो सकता। ये तो रियल लाइफ की बात थी, ठीक है। अब आ जाओ अपने सब्जेक्ट पे, अकाउंट्स की बात करूं तो जब भी आप बैलेंस शीट बनाते हो तो बैलेंस शीट के ऊपर लिखते हो एज ऑन और डेट, मतलब 11th क्लास में बैलेंस शीट बनाई होगी, डेट लिख दो 31 मार्च 2021 या 22-23 जो भी बनाया होगा। और जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, पी एंड एल अकाउंट बनाते हो, तो उसके नीचे लिखते हो फॉर द ईयर, फॉर द ईयर 2022, यानी यहां पर पूरे साल के लिए बनाते हो, तो पूरा साल लग गया, यहां पर एक पर्टिकुलर डेट पे कहानी हो गई। तो मैं बोलूं बैलेंस शीट क्या है, बैलेंस शीट अपने आप में एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है या स्टॉक वेरिएबल है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, वो फ्लो वेरिएबल है या फ्लो कॉन्सेप्ट है। तो इस तरीके से डिस्टिंग्विश करना आ जाएगा। डिस्टिंग्विश करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर देखो इनके बीच में डिफरेंस बताने पड़ते हैं। तो स्टॉक वेरिएबल के बारे में बात लिखता हूं, स्टॉक वेरिएबल्स होते क्या, डेफिनेशन आपके सामने लिखी जा रही है। तो पहली डेफिनेशन ही बन जाएगी, इट रेफर्स, आप देखो लिख के बता रहा हूं तो आपके काम आएगी चीजें, इट रेफर्स टू द वेरिएबल्स विच आर कैलकुलेटेड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर इनको कैलकुलेट कर लिया जाता है। अगर बात करें, अब इसका स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दूंगा क्योंकि यहां पर कुछ और भी लिखने वाला हूं। बात करें फ्लो वेरिएबल्स की, तो इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी, तो लिखेंगे दीज आर दोज वेरिएबल्स, या लिख दो ऐसी, हां कैसे लिखी डेफिनेशन, हां इट रेफर्स टू द वेरिएबल्स, राइटिंग आपको समझ में आ रही होगी, मैं बोल भी रहा हूं, वेरिएबल्स विच आर कैलकुलेटेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये डेफिनेशन बन जाएगी। आप ओवर की जगह ड्यूरिंग भी लिख सकते हो, आसान डेफिनेशन बन जाएगी आपके लिए। अब इनके एग्जाम्पल आपको जानने जरूरी है, एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स में जानने जरूरी है, तो एग्जाम्पल की बात करेंगे। अगर मैं बोलूं आपकी शॉप पे जो भी ओपनिंग स्टॉक है या क्लोजिंग स्टॉक है, अब ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट का मतलब है यहां पर, लेकिन इकोनॉमिक्स में भी दे दिया है, नेशनल इनकम में काम आएगी बाद में, ये सब स्टॉक वेरिएबल है। और अगर इसकी बात करूं फ्लो वेरिएबल्स में इसको कैसे डालेंगे, तो दोस्तों चेंज इन स्टॉक अपने आप में फ्लो वेरिएबल है। अगर बात की जाए मनी सप्लाई की, जो कि मनी एंड बैंकिंग वाले चैप्टर में बता दिया, तो वो स्टॉक वेरिएबल है। अगर बात की जाए चेंज इन मनी सप्लाई की, तो चेंज इन मनी सप्लाई फ्लो वेरिएबल है। आप देख रहे हो मैं स्लाइड चेंज भी कर रहा हूं बार बार, कभी यहां आ रहा हूं कभी यहां आ रहा हूं, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसको दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। और एक सिंपल आसान फॉर्मूला बता दूं आपको, मतलब अगर ये चीज पल्ले नहीं पड़ रही, तो एक बहुत ईजी फॉर्मूला है। ऐसा इकोनॉमिक्स का कोई भी कॉन्सेप्ट जिसकी डेफिनेशन के लास्ट में यह लगेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम या फिर ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम लगेगा, वो सब चीजें फ्लो हैं, वो सब चीजें फ्लो हैं। कौन कौन होगी ये चीजें, आपको पहले आइडिया भी है। देखो अभी तुम पहले जानते हो जीडीपी क्या होता है, आगे कॉन्सेप्ट आएगा जीएनपी क्या होता है, आगे नेशनल इनकम भी आएगी, नेशनल इनकम को मैंने एनआई लिख दिया, चलो ठीक है। गवर्नमेंट बजट पढ़ा दिया है, इसकी डेफिनेशन के लास्ट में भी यही लिखा है, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। आगे लास्ट बिल्कुल एंड वाला टॉपिक है बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसकी डेफिनेशन के लास्ट में भी ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम लगेगा। तो दोस्तों ये सब जितने भी कॉम्पोनेंट्स हैं सब फ्लो वेरिएबल्स हैं। इसके अलावा जो हम खर्चा करते हैं एक्सपेंडिचर, हमारी इनकम एट अ पॉइंट ऑफ टाइम नहीं होती, पूरे महीने की कमाई हुई इनकम होती है, ठीक है। कंजम्पशन आगे आएगा कैसे है, सेविंग्स, ये सब चीजें। अच्छा ये टॉपिक नेशनल इनकम वाले चैप्टर में पता नहीं क्यों दे दिया, इसका कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन आपको करके जाना है। और इस टॉपिक के अंदर ये सब नाम छेड़े हुए हैं जो आने वाले चैप्टर्स में होंगे,
तो इसलिए थोड़ा परेशानी का सबब और डिफिकल्ट टॉपिक इसको कहा जाता है, लेकिन एग्जाम के लिए फिर भी इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन कैसे आएगा कि फ्लो वेरिएबल्स और स्टॉक वेरिएबल्स के अंदर डिफरेंस बता दो भाई, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में ये तीन चीजें मैंने आपको बता दी, वैसे और बता देता हूं। एक कंपनी की बैलेंस शीट स्टॉक वेरिएबल होती है, एक कंट्री की वेल्थ, नेशनल वेल्थ या फिर अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी देख लो, वो कभी भी कैलकुलेट कर सकते हो, ये कैलकुलेटेड होती है, ये स्टॉक वेरिएबल होती है। तो आपको इन दोनों के बीच में डेफिनेशन डिफरेंस बताना होगा, स्टॉक वेरिएबल्स और फ्लो वेरिएबल्स के बीच में। तो हम क्या बताएंगे डिफरेंस, या डिफरेंस देख लो, डिफरेंस आसानी से बता देंगे स्टॉक वर्सेस फ्लो, आसानी से डिफरेंस आ जाएगा। डिफरेंस चार बनाएंगे, पहले डिफरेंस में दोनों का लिखेंगे मीनिंग। आप बोलोगे सर इसके नोट्स, स्टॉक और फ्लो वेरिएबल्स के नोट्स यार इन स्लाइड्स के अंदर नहीं है, मैं अगली वीडियो के अंदर लास्ट में इसको देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो मीनिंग लिखवा दिया, नोट्स की जरूरत क्या है, ये रहे मीनिंग। अब ले लो पहले स्क्रीनशॉट ले लो, इनका आपके काम आएगा, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट इसका भी ले लो, फ्लो वेरिएबल्स का, यहां पर एग्जांपल भी लिखे हुए हैं। चलो जी अब आ जाओ डिफरेंस का ले लेना, मीनिंग हो गया पहला डिफरेंस, दूसरा डिफरेंस दोनों के एग्जांपल लिख देना दो दो, तीसरा डिफरेंस बता दूं, स्टॉक वेरिएबल्स बेसिकली स्टैटिक इन नेचर होते हैं, स्टैटिक इन नेचर लिख दोगे इससे काम चल जाएगा, ज्यादा बड़ी लैंग्वेज बनाने की जरूरत नहीं है। और फ्लो वेरिएबल्स डायनामिक इन नेचर होते हैं, डायनामिक नेचर के होते हैं मतलब बदलते हुए, जैसे कि टंकी के पानी को याद करो, वो रुका हुआ है तो स्टैटिक है, कैमरे से खींची हुई फोटो की बात करो वो स्टैटिक है, और वीडियो बन रही है वो डायनामिक अपने आप में। चौथे नंबर पे बात आती है टाइम डायमेंशन की, टाइम डायमेंशन यानी ये चीजें एक बार कैलकुलेट हो गई, फोटो एक बार खिंच गई, फिर वो फोटो खींचनी है तो दूसरी खींचो, उस फोटो का अब कुछ नहीं हो सकता, तो इसके पास कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता, और इनके पास टाइम डायमेंशन होता है, तो दे डू नॉट हैव टाइम डायमेंशन, और फ्लो के अंदर लिखेंगे दे हैव टाइम डायमेंशन। तो इस तरीके के इनके चार डिफरेंस बन जाएंगे। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेने का पूरा मौका दे रहा हूं, ठीक है। जल्दी ही वीडियो खत्म होने वाली है, ये क्लास खत्म होने वाली है दोस्तों जल्दी, फिर अपन मस्त डाउट सॉल्व करेंगे तुम्हारे, हर एक चीज के बारे में बताऊंगा, ठीक है। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आने के चांस है, आपको एग्जाम्पल देगा और बोलेगा बताओ कौन सा वेरिएबल स्टॉक है और कौन सा वेरिएबल फ्लो है। तो एग्जाम्पल में आंसर कैसे लिखते हैं बता देता हूं। मान लो उसने एग्जाम्पल दिया, एक तरफ लिखा जीडीपी, ठीक है, और दूसरी तरफ लिखा मनी सप्लाई, तो इन दोनों में बताना है कौन सा स्टॉक है और कौन सा फ्लो है, आंसर भी देना है। आप अगर आइडेंटिफाई करके बता दोगे सही सही कौन सा स्टॉक है कौन सा फ्लो है, तब भी नंबर नहीं मिलेंगे अगर तुमने कारण सही नहीं दिया, तो रीजन यहां पर पहुंचाना पड़ेगा अर्जुन श्रीवास्तव, रीजन पहुंचाना पड़ेगा यहां पर। तो रीजन कैसे पहुंचाएंगे बताएंगे, देखो जीडीपी की डेफिनेशन में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लगता है लास्ट में, तो ये फ्लो वेरिएबल है। अब इसको कैसे लिखेंगे, लिखेंगे इट इज फ्लो कॉन्सेप्ट या फ्लो वेरिएबल बिकॉज इट इज कैलकुलेटेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम या ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, बस यही रीजन है जो डेफिनेशन में लग रहा था वहीं से कहानी टीचर के दिमाग में पहुंचा दो। अब मनी सप्लाई स्टॉक कॉन्सेप्ट है तो लिखेंगे इट इज, अच्छा ये पूरा मिट गया मुझसे, चलो कोई नहीं लिख दो, मनी सप्लाई इट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, और क्यों है ऐसा पेन चेंज करके बताऊंगा कलर, हा बिकॉज बिकॉज देखो ऐसे लिखा है मैंने जैसे मैसेज में तुम लिखते हो, ठीक है। प्रेम पटेल चल रहा है, फ्लो भी चल रहा है, फ्लो खत्म हो गया मतलब उसके बाद नया कॉन्सेप्ट है, बिकॉज इट इज कैलकुलेटेड, लैंग्वेज अपनी इजी है मुश्किल वाली नहीं है, कैलकुलेटेड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम या स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम भी लिख सकते हो। बस यहां हो गई कहानी खत्म, बता दिया अंतर हर एक चीज के बीच में, ठीक है। ये सब चीजें आपको बता दी, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, इसलिए स्क्रीन के सामने से हटता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो जी तो दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर में क्लास खत्म की जाती है, अब बारी है कि हम आपस में अपने एक दूसरे के हालचाल पूछ ले और पता लगा दूं कि तुम्हारे डाउट्स क्या है इस वीडियो लेक्चर से। आशीष, प्रेम, अर्जुन, पृथ्वी, अनन्या, महेश,
फटाफट से हाजिरी लगा दो एक बारी प्रेजेंट सर करके, अब मुझे पता लग जाना चाहिए कि कौन कौन ये क्लास देख रहा था, कौन कौन इस क्लास के अंदर है, क्योंकि हम तो अब एक दूसरे का नाम जानने लगे। मैं तुम्हें लिटरली जानने लगा हूं, तुम मेरी क्लास में आते हो, मेरे को काफी सारे नाम तो रट्टे भी लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं देखना चाहता हूं। ओजी अमन बिल्कुल, ये हार्ट तुम्हारे लिए भी मेरे लिए भी। ज्योति प्रेजेंट है, श्रेया प्रेजेंट है, अनन्या प्रेजेंट है, भवर सिंह प्रेजेंट है, आशीष अंश प्रेजेंट है, सेल्वी मूर्ति, पृथ्वी राज, ठीक है, सुजल मौर्या, फ्रिक गेमर्स, एसके क्रिएशन, लाइट यागमी, ठीक है, सबके सब प्रेजेंट है। शुभांकर भाई आ गया, अच्छा वेरी गुड, दिलीप वर्मा, सुजल मौर्या, एमके जी, साईकरण एमके, ठीक है, बेंगलोर से हो आप, पृथ्वी राज, ठीक है, वेरी गुड। आपका कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, पिछली क्लास से रिलेटेड भी और इस क्लास से रिलेटेड भी। ये सेशन है ना, मतलब जब मैं अपना टॉपिक करा देता हूं यार, ये सेशन इसके लिए तुम रुका करो, तुम इसके लिए रुका करो, क्योंकि यहां पर तुम्हारे पुराने डाउट्स भी सॉल्व करूंगा, एक एक चीज के बारे में बता दूंगा। सुजल मौर्य, राम राम भाई, कानपुर से आप, वेरी गुड, ठीक है, एक एक चीज बताऊंगा। और आज मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई है, उसको पूरा देखना यार, उसमें इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज और अकाउंटेंसी के बारे में बताया है कि कौन कौन सी चीजें डिलेट हुई हैं, और इस बार 2022-23 सेशन के लिए जिसके एग्जाम के लिए तुम बैठने जा रहे हो, जिसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके अंदर सिलेबस का स्ट्रक्चर कैसे चेंज हुआ है और मार्किंग स्कीम कैसे चेंज हुई है। वैसे अकाउंट से बताया है, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाला चैप्टर पूरा डिलीट हो गया है, एक रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर भी है, मैंने उस वीडियो के अंदर नहीं बताया, वो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर भी डिलीट हो गया भाई, पिछली बार भी डिलीट था, इस बार भी डिलीट है। पहले कहते थे कि, दिलीप वर्मा बता रहा हूं, ठीक है, पहले कहते थे कि 30% सिलेबस डिलेट था लास्ट ईयर तक, वो 30% जो डिलेटेड था ना, वो वापस आ गया, काफी सारा वापस आ गया। बिजनेस स्टडीज में डिलेटेड नहीं है, मार्केटिंग में एक चीज पर्सनल सेलिंग उसके अंदर नहीं दिखाई, तो वो डिलेटेड है। मैं बताता हूं रियल फ्लो और मनी फ्लो एक बार दोबारा बताता हूं, चलो रियल फ्लो मनी फ्लो की बात करते हैं। तो दोस्तों यहां से डायग्राम में देखो, ये चार ट्रांजेक्शन है हाउस होल्ड और फर्म के बीच में, चारों में दो ट्रांजेक्शन ऐसे जिसमें पैसे बीच में इन्वॉल्व नहीं हो रहे, उनके काउंटिंग यहां पर लिख देता हूं नाम, ये वाला ट्रांजेक्शन जिसमें पैसे इन्वॉल्व नहीं हो रहे, और ये वाला ट्रांजेक्शन यहां पर पैसे नहीं है, मनी नहीं है, और तीसरे में मनी है, और चौथे ट्रांजेक्शन में मनी है। बस इन दोनों ट्रांजेक्शन को एक साथ बना दो डायग्राम, आपका रियल फ्लो बन जाएगा, इन दोनों ट्रांजेक्शन का डायग्राम एक साथ बना दो, आपका मनी फ्लो बन जाएगा। मतलब कोई भी लाइन ऊपर नीचे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब ऐसा नहीं है कि यहां पर लाइन तुम्हारी नीचे बनाई है तो अगले में नीचे ही आएगी लाइन, जैसे मर्जी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम डायमेंशन का मतलब था कि टाइम पर कैलकुलेट होता नहीं होता वो चीज, स्टॉक वेरिएबल्स वो सारी चीजें होती है जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर कैलकुलेट हो सकती है, और फ्लो वेरिएबल्स वो सारी चीजें होती है जो ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम कैलकुलेट होगी। श्रेया, इस बार सिलेबस क्यों डिलेट हुआ है? सीबीएसई चाहती थी इसलिए डिलेट हुआ है, थोड़ा सा मतलब वो कंप्रेस करना चाहते थे, तुम्हारा बर्डन हल्का करना चाहते थे, इसलिए डिलेट हुआ है। और एक चीज और क्लियर हो गई है कि अब तुम्हें 12th क्लास के अंदर मैं बता रहा था इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही पढ़नी है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमी, एक बार मुझे बता दो तुम्हारे स्कूल के अंदर कौन सी बुक शुरू करवाई है, मैक्रो शुरू करवाई है या इंडियन इकोनॉमी शुरू करवाई है, इससे मुझे आइडिया लगेगा। एक बार बता दो मैक्रो या इंडियन इको, अकाउंट्स की फैकल्टी आपको मिलेगी, अकाउंट्स का क्या है यार, अभी 11th क्लास के ना कुछ स्कूल है जिनके पेपर खत्म नहीं हुए हैं, उन सबके पेपर खत्म हो दो, मेरे ख्याल में इस महीने के एंड तक खत्म हो जाएंगे, तो फिर अकाउंट्स शुरू कर देंगे। मैक्रो शुरू हुई है, ज्योति इंडियन इकोनॉमी, भवर सिंह इंडियन इकोनॉमी, अच्छा एसके क्रिएशन मैक्रो, मैक्रो सुजल मैक्रो, कुशल कुमार प्रेजेंट, ये भी बता दो कौन सी बुक शुरू हुई है, रिशु की मैक्रो हुई है, प्रेम मैक्रो, कब की डेट भाई बताऊंगा जल्दी, आपका साथ मैंने कब प्रॉमिस कर रखा है, आपको मिल जाएगी अकाउंटेंसी, कोई दिक्कत वाली नहीं है, इतने दूसरे सब्जेक्ट कवर कर लो यार। मैक्रो के 7 चैप्टर हो गए अनन्या के, तो हमारे भी देख लो कितने सारे हो गए, मनी बैंकिंग भी हो गया, बजट भी हो गया, उनसे भी आगे होंगे शायद। अच्छा तो ठीक है, मैं देख पा रहा हूं कि आप कौन कौन सी, मतलब मुझे राय दे रहे हो कि कौन सी बुक शुरू करनी चाहिए। एक बार नेशनल इनकम को खत्म कर दूंगा ना, तो नेशनल इनकम, मनी बैंकिंग, बजट, हमारे मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स आधी से ज्यादा खत्म हो जाएगी, फिर इंडियन इको के 3 क्लास के अंदर 3 चैप्टर खत्म करा दूंगा, मतलब इंडियन इकोनॉमिक्स इतनी आसान बना दूंगा। अगर तुम स्कूल से बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे हो ना, यहां तुम्हें प्रॉपर नोट्स और हर एक चीज मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा एक बात और, जो ये तुम मुझसे बातें कर रहे हो, ये कॉमेंट सेक्शन नहीं है, ये लाइव चैट है, ये मुझे पता लगा, तो लाइव चैट है, तो जब ये वीडियो अपलोड होगी, अभी थोड़ा टाइम लगता है, मतलब जैसे ही मैं क्लास खत्म करूंगा उसके कुछ टाइम बाद अपलोड होगी, तो यार कमेंट सेक्शन में ये बातें दिखाई नहीं देती मुझे, शायद वो टेक्निकल तरीके से उसको ऑफ कर रखा है। गौतम राज, नोट्स की बात भी कर रहा हूं, ठीक है। इस बार एनुअल एग्जाम होंगे, टर्म वाले एग्जाम नहीं होंगे, साईकरण एमके आपको बता दिया, और उसके लिए डू यू फील, अच्छा एनुअल सिस्टम बेटर है यार, टर्म वाइज बेटर नहीं है, एनुअल का मतलब पूरा कोर्स करना है, जैसे मर्जी कर लो, कोई भी चैप्टर कभी भी कर लो, ठीक है। नोट्स बता रहा हूं, नोट्स का बहुत पहले ही बता रहा हूं,
ठीक है, तुम यार वो बात भी भुलवा देते हो क्या कहना चाह रहा था मैं। चलो नोट्स की बात, यार ये नोट्स है, स्क्रीनशॉट ले रहे हो यार, ये नोट्स नहीं है, ये क्या लिखा है पहले बताओ। नोट्स नोट्स नोट्स, यही तो नोट्स है, यही नोट्स है तुम्हारे पास, इतना साफ लिखा है स्क्रीनशॉट, क्रिस्टल क्लियर, एक एक डायरेक्शन दे रखा है कि आंसर कैसे लिखना है, और किसी बुक में भी इतनी आसान लैंग्वेज नहीं होगी जितनी आसान लैंग्वेज की भाषा में हम बात कर रहे हैं आप लोगों से। ठीक है, तो दोस्तों मैं ये बता रहा हूं कि आपका कोई भी डाउट हो तो हम जब वीडियो के अंदर अपना टॉपिक खत्म कर लेते हैं उसके बाद उस डाउट को कवर अप करते हैं। अगली क्लास के अंदर जीडीपी और वेलफेयर कराऊंगा, जीडीपी की लिमिटेशंस है वो कराऊंगा। ठीक है दिलीप वर्मा, रियल और मनी फ्लो अभी दोबारा रिपीट कर चुका हूं, अगर आपको लगता है कि वो चीज दोबारा रिपीट करनी है तो वीडियो अपलोड हो जाएगी, उसके बाद आपको दोबारा जरूर देखनी है। ठीक है ओके रिपोर्ट है, बिल्कुल ओके रिपोर्ट है, तो मौज ही होनी है। ठीक है ना, अकाउंट्स का मैंने बता दिया आपको कि शुरू हो जाएगा। अच्छा लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो वो फ्लो कॉन्सेप्ट होगा, चलो लिख भी देता हूं, तुम कह रहे हो तो यार यहां था, चलो फ्लो कॉन्सेप्ट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है ना, चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो दोनों चीजें फ्लो कॉन्सेप्ट में आएंगी। ठीक है आपके पास हर एक चीज का स्क्रीनशॉट होना चाहिए। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं, ओवर करते हैं, बाय बाय टाटा, जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच, नमस्कार।